So hi guys and welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really great. So guys, मैं काफी time के बाद cabin crew related video बना रही हूँ and I'm really happy for it. और आज मैं इसके लिए 8:30 सुबह morning में already उठ गई थी और 2 बजे सो के भाई लोग यार 2 बजे सो के हाँ minimum rest ले हुआ. So अभी 1 घंटे में निकलना है तो मैं आज जल्दी उठी so that I can make a video for all of you out there. And I hope ये videos आप लोगों को help करे and so मैं ये आज वीडियो में बोलना चाहूंगी कि टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्लियर कैबिन क्रू इंटरव्यू एंड मेनली फोकस ऑन दैट एंड हाउ इट हैपेंस एवरीथिंग ऑल. ठीक है, सो मैं कैसे राउंड क्लियर कर रही, मतलब ये बहुत बड़ा ऐसे रीजन होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल ना, मैं अभी रिसेंटली एयर इंडिया के इंटरव्यू में गई थी एंड वन ऑफ द पर्सन आस्क्ड मी कि मैम शी वॉज लाइक, वो बस दूर से चल के आई मेरे पास, वो सिर्फ देखने आई थी इंटरव्यू. शी वॉज फ्रॉम जयपुर. सो शी टोल्ड मी कि कैसे कैबिन क्रू इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, क्या करना होता है. दैट वॉज अ बेसिक क्वेश्चन. सो मैंने उसको सेम चीज बोली कि वो बोलती इज इट वेरी डिफिकल्ट. मैंने बोला नो इट इज नॉट डिफिकल्ट, नहीं है. सी इट जस्ट फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर ऑल ऑफ योर राउंड्स. ठीक है, आपका ग्रूमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए पहली चीज. ठीक है, और ग्रूमिंग के लिए जरूरी नहीं है यार आप लोग को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है या फिर आपको कुछ, आप यूट्यूब से भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं. ठीक है, एंड इफ़ यू थिंक कि वो रीजनेबल रेट पे आपको कोई चीज़ मिल रही है और यू नो आपको इतना स्पेंड नहीं करना पड़ रहा है एंड यू आर गेटिंग दैट थिंग, दैट इज मच 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 इम्पॉर्टेंट. सो बस यही बोलूंगी, इसलिए आप लोग पहली चीज अपना ग्रूमिंग इम्प्रूव करिए. ग्रूमिंग के लिए मैंने काफ़ी वीडियोज बनाई हुई, आप वो देख सकते हैं. बाकी हेयर स्टाइल्स यू नो प्रॉपरली बना के जाइए और इसकी वीडियोज भी मैंने अपलोड करी हुई है. नेक्स्ट चीज पे अगर मैं जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ग्रूमिंग हो गई, ये हो गया. नाउ नेक्स्ट चीज योर कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन के यू डोंट हैव टू ज्वाइन, मैं बोल रही हूँ आपको इतना स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. कम्युनिकेशन के लिए व्हाट यू कैन डू, अपना इंग्लिश आसपास जो कोचिंग सेंटर है वो ज्वाइन कर सकते. ठीक है, और मैंने ये चीज, मेरा ये इस वीडियो का आइडिया तब आया जब आई वेंट फॉर एयर इंडिया इंटरव्यू. तो एक इंसान वो भी उठ के आया मेरे पास जो मुझे नहीं जानता था मोर ओवर. सो शी आस्क्ड मी अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि मैं कैसे करूँ एंड आई वॉज लाइक कि माइट भी ऐसे काफ़ी लोग हो गए इनके जैसे जो यू नो एक बहुत छोटी सी माइनर सी चीज़ मुझसे पूछ रहे हैं. सोचा मैं वही जो आंसर मैं उसको करके आई, आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू आउट देयर कि आई थिंक काफ़ी लोग हैं जो जानना चाहते हैं कैबिन क्रू इंटरव्यू के बारे में और यू नो हाउ दे कैन क्लियर द इंटरव्यू. सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है गाइस. सो फर्स्ट थिंग, एक तो हमारा ग्रूमिंग हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, सब हो गया प्रॉपरली, है ना. नाउ आपको फॉर्मल्स पहन के जाना है. नाउ यू कांट गो इन पार्टी वेयर ड्रेस के चलो आज तो पार्टी में चलते हैं, नहीं नहीं नहीं. तो प्लीज़ अपना फॉर्मल अटायर पहन के जाना. फॉर्मल अटायर के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हूँ कि क्या क्या फॉर्मल अटायर्स हो सकते हैं. योर शर्ट, योर नॉट शॉर्ट्स गाइस. ठीक है, आई एम सॉरी गर्ल्स फॉर. ठीक है, सो आपको स्कर्ट पहन के जाना है और शर्ट जरूरी नहीं, ऐसे कोई भी कलर चल सकता है. प्रेफर करना कि लाइट कलर ही आप लेके जाओ, लाइट कलर ही पहन के जाओ, लेकर के आई जाओ क्या आप लोग. तो ये हो गया. नेक्स्ट चीज पर मैं जाऊँ, सो दैट विल बी यू नो आपका कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के लिए आसपास जो कोई भी कोचिंग सेंटर व्हाट यू थिंक कि हाँ ये हो सकता है तो आप वो ज्वाइन कर लो. ज्वाइन करने के बाद आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है, मैक्सिमम लोग वो जो पता क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग में आपकी ग्रूमिंग इंप्रूव करी जा सकती है. इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कैबिन क्रू तो आप तब भी कैबिन क्रू बन सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि आपको कैबिन क्रू की पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. एंड कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड है इकरा, उसका मैसेज आया था. शी वॉज टेलिंग मी शी इज माई कॉलेज फ्रेंड एंड शी डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट कैबिन क्रू एंड शी इज टेलिंग मी यार दिस इज अ डैश फलाना इंस्टीट्यूट, जस्ट थिंक अबाउट इट. तो कि मेरी बहन है उसको ज्वाइन करना है. तो मैंने बोला ठीक है, मतलब दैट्स ऑल योर चॉइस. बट मैंने उसको बोला कि तेरी कैबिन क्रू की ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी ना. मैंने बोला कैबिन क्रू की ट्रेनिंग, मैंने बोला कैबिन क्रू की, लोगों को लगता है कि कैबिन क्रू की ट्रेनिंग करना ज़रूरी है एंड देन ओनली यू कैन, और ट्रेनिंग होगी इंस्टीट्यूट में. ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती इंटरव्यू से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, आपको डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं, एयर इंडिया के चल रहे हैं, इंडिगो में आप आ सकते हो, आप जो भी एयरलाइंस के इंटरव्यू चल रहे हैं आप जाइए, अप्लाई कीजिए. अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस अपना रिज्यूमे लेके जाओ, टाइम पता है, डेट पता है एंड गो फॉर द इंटरव्यू. दैट इज यू नो, और अभी दोबारा एक इंटरव्यू होने वाला है 3 अप्रैल को. सो गो एंड अप्लाई फॉर दैट. एयर इंडिया का इंटरव्यू होने वाला है दिल्ली बॉम्बे में. सो गो एंड अप्लाई फॉर इट बिकॉज अब पहले होता था कि भाई ऑनलाइन अप्लाई करना है, 10 झंझट है, 2 चीज इतनी सारी चीज़ें. अब ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गो एंड अप्लाई फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू. नाउ अब
उसने मुझसे पूछा कि जरूरी है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना. नो, इट्स नॉट मैंडेटरी. ओके, ऐसा कोई क्राइटेरिया में नहीं लिखा कि दैट यू हैव टू ज्वाइन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट. अगर मैं अब जाऊँ नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज कम्युनिकेशन हो गया, आपका ग्रूमिंग हो गया, प्रॉपरली हो गया, नाउ यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू. आप इंटरव्यू में अपना रिज्यूमे लेके जाना है, अपने बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल की मार्कशीट, ट्वेल्थ, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वो जाके भी जरूर देख लीजिएगा. नाउ अगर मैं नेक्स्ट चीज़ पर जाऊँ, वो है आपका, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग फॉर एनी ऑफ द इंटरव्यूज. मैक्सिमम हर इंटरव्यूज में, हर एक चीज़ में चार राउंड होंगे गाइज. पहली चीज़ कोई भी राउंड को क्लियर करने के लिए, दैट इज़ योर स्माइल, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्माइल करते रहना है. दूसरी चीज़, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए. तीसरी चीज़, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए. कॉन्फिडेंस गाइज, देखो आई नो दैट कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है. आई नो, मैं आप लोगों की सेम जगह से उठ के आ चुकी हूँ. आई वॉज स्टैंडिंग लाइन, सिटिंग देयर, वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन हील्स, एंड बिना कुछ खाए पिए इंटरव्यूज की लाइनों में खड़ा होना. आई नो आई हैव डन दैट थिंग. सो बस मैं यही बोलूँगी, सी फॉर दैट थिंग यू हैव टू बी, यू नो, गाइस खा पी के जाया करो यार. मैं तो खुद भी नहीं खाती थी, बट हाँ आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ खा पी के जाया करो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इंटरव्यू प्रोसेस होने में. सो नाउ फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, आपके चार राउंड है, ठीक है, चार राउंड. हर एक राउंड में अंदर सबसे डर बेसिक सी चीज़ क्या है, बेसिक अगर हम कोई चीज़ सोचे, राउंड वाउंड छोड़ो यार, सबको छोड़ो, तुम बेसिक चीज़ क्या है, आपका स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, आपको डर लग रहा है नहीं लग रहा. आई नो डर लगता है, बट ट्राई टू कंट्रोल दैट, बिकॉज उसी 30 सेकंड में सबको डिसाइड होगा. ओके, नाउ आपका ग्रूमिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपकी स्माइलिंग, मतलब स्माइल करना भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लोग सोचते हैं कि स्माइल करना इंपॉर्टेंट, नहीं, स्माइल करना भी इंपॉर्टेंट है. ग्रीट, अगर आप अंदर जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे रूम में बुलाया एंड मैं डायरेक्टली जाके ऐसे बैठ गई हूँ, जैसे मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से, मैं बस इंटरव्यू देने आई हूँ. सो गाइस, ग्रीट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो आप ग्रीट करिए, एंड यू नो, आप उनसे पूछिए कि हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, एंड यू नो, यू कैन आस्क दैट पर्सन कि आपका दिन कैसा था, बिकॉज उससे ना एक पॉजिटिव वाइब आती है और ऐसा लगता है कि हाँ, यू आर रेडी फॉर इट. वो क्योंकि बहुत देर से वो इंटरव्यू ले लेके थक चुके हैं भाई. सो प्लीज़ इवन आस्क देम और ग्रीट करो. फिर ये पांच चीज़ें हैं जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चीज़ इज़ योर बॉडी लैंग्वेज. नाउ हर एक चीज़ नोटिस होती है कि आप कैसे वॉक कर रहे हो, कैसे खड़े हो, कैसे स्माइल कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कम्स अंडर पॉइज. सो प्लीज़ आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप जो भी इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, जस्ट भी आपको उस चीज़ को, ऑरा को मेंटेन करके चलना है कि हाउ कैबिन क्रू इज़. ओके, और इसके अलावा आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, आप उसके कैबिन क्रू के क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं, या फिर मैंने कैबिन क्रू क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो, कि सो दैट को बैक ऑफ द माइंड यू नो कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, है ना, आप उसके लिए प्रिपेयर हो सको. नाउ अब कितने राउंड्स होते हैं, वो राउंड्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एयर इंडिया की, अभी मैं वीडियो डालूंगी इससे पहले, वो वीडियो भी जाके देखना, सो दैट आप लोग के लिए ईजी हो जाए कि यू नो कैबिन क्रू में कौन कौन से राउंड्स आएंगे, कैसे कैसे होगा, एंड सो दैट आप लोग के लिए ईजी हो जाए, और आपको यू नो फेमिलियर कराने के लिए कि कैसा इन्वायरमेंट होगा उस जगह का. मैं ऑलरेडी जाती हूँ वहाँ पे, वीडियो बनाती हूँ, सो दैट कि आप लोगों को पता लग जाए कि कैसा एरिया है कैबिन क्रू के इंटरव्यू का, कैसे लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, कितनी देर से लोग खड़े होते हैं यार. लाइक लिटरली दैट देयर वॉज वन गर्ल एंड शी वाज टेलिंग मी कि हम सुबह 9 बजे से आए हैं और किसी का पता नहीं कौन पहले जा रहा है, कौन भी जा रहा है, लाइन लगी हुई है इतनी लंबी लंबी, और अभी तक ऑलमोस्ट 12:30 लिखा था इंटरव्यू एंड हो जाएगा, 12:30 तक लोग बाहर ही खड़े हुए थे. एंड मैं यही बोल रही हूँ कि गाइज सी, बहुत लंबा प्रोसेस होता है. लिटरली आप मॉर्निंग में जाते हो, रात तक फ्री होते हो, लिटरली आप पूरा टाइम आपका वहीं निकल जाता है. तो प्लीज़ खाने पीने का ध्यान रखो, स्टे हाइड्रेटेड, खाने पीने की चीज़ लेके जाया करो मेकअप के साथ साथ, और डरना नहीं है. दे आर लॉट ऑफ इंटरव्यूज, और स्पेशली दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट गिव मनी टू एनी वन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोग पैसे देते हैं, डोंट डू दैट. कैबिन क्रू इंटरव्यूज आर ऑल फ्री, मस्ट रिमेंबर दैट. एंड These were some small tips and tricks from my side to you, so that you can crack all of your interviews, चाहे वो एयर इंडिया का हो, इंडिगो का हो, या कोई भी एयर एशिया का हो, स्पाइसजेट का हो, जिस भी कतर का क्यों ना हो. सो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राउंड्स क्वेश्चंस तो यार इट्स लाइक वेरी बेसिक थिंग, अगर आप माइनर सी लाइन समझ जाएंगे ना कि इससे क्लियर कर सकते हैं, सो आप चाहे किस दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में जाओ, आप कर लोगे. ठीक है, आई नो दैट एंड आई रियली ट्रस्ट यू गाइज, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ माई फ्यूचर कैबिन क्रू. आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई लव यू सो मच गाइज, डू इट. थैंक यू सो मच वॉचिंग, एंड बाय बाय, टेक केयर.